हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं। मैं अनिल कुमार यादव सूरज स्टडी नॉलेज के चैनल में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप बार बार याद नहीं कर पाते हैं, बहुत बोरिंग सी महसूस होती है। थ्योरी को हम बताने वाले हैं, न्यूमेरिकल इसके आगे वाले वीडियो में बता देता हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न को कैसे याद करें, पहली टॉपिक इसको हम बताने वाले हैं आज के वीडियो में। दूसरी चीज जो बताने वाले हैं, कॉपी कैसे लिखें। तीसरी है किस प्रश्न में कितने पेज लिखें। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, पहली चीजों को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन ये दो चीज जो है, कॉपी कैसे लिखें और किस प्रश्न में कितने पेज लिखें, इन दोनों की वीडियो मैंने बना दिया है। यदि ये दोनों वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे लिंक दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में भी आपको नंबर लिंक दिया गया है, वहां पे भी आप जाकर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये दोनों वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि याद करके क्या करेंगे जब आप लिखेंगे ही नहीं। याद कर लीजिएगा यहाँ से, उसके बाद कैसे लिखेंगे, कैसे पेज भरेंगे, इन दोनों को देख लीजिएगा, सारा का सारा अच्छा से अच्छा मार्क्स करेंगे, हो सकता है आप टॉप कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे हम महत्वपूर्ण प्रश्न को याद करें, हाउ टू लर्न। समझिए, अब मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल देने वाले हैं, एग्जाम्पल देकर आपको बताएंगे कि कैसे याद करेंगे। मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल देने वाला हूँ वो है संगठन से। संगठन नाम का चैप्टर है, आपको पता होगा बीकॉम फर्स्ट ईयर में संगठन नाम का चैप्टर है, उसके बारे में हम उसकी अवधारणा कैसे याद करेंगे उसको बताते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, तो इसके लिए मैं अवधारणा से ही एग्जाम्पल दे देता हूँ कैसे याद करें। मेरा मोटिव यहाँ पे ये बताना है कि याद कैसे करें, ये नहीं कि किसको बारी बारी से बताए, बारी बारी से मैं नहीं बताने वाला हूँ, बस ये बताने वाला हूँ कि किसको कैसे याद करें। समझिए, अगर देखा जाए अवधारणा में, तो अवधारणा में कौन कौन से हैं, जैसे समूह अवधारणा आते हैं। सपोज कर लीजिए ये हेडिंग है, हम हेडिंग के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हेडिंग अगर आप याद करके लिख लेते हैं तो उसके अंदर क्या लिखना है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है समूह अवधारणा, दूसरा है संबंधों की अवधारणा, तीसरा है प्रक्रिया अवधारणा, चौथा है उद्देश्यों की अवधारणा, पांचवा है तंत्र अवधारणा। इस प्रकार से जितने भी आएंगे हेडिंग आपको लिख लेना है, लेकिन इसको याद कैसे करें हम इसके बारे में बात बताने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें समूह अवधारणा, तो समूह अवधारणा को क्या कहते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप मतलब समूह। लेकिन ग्रुप से आप देखा जाए तो पहले अक्षर को आप ले लीजिए जी, और दूसरे की बात करें संबंधों की अवधारणा। अब इससे हमें कुछ नहीं मिल रहा है कि संबंधों की अवधारणा की इंग्लिश क्या है, अगर पता है तो ठीक है लिख दीजिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। प्रक्रिया अवधारणा यदि आपको पता है तो प्रोसेस होता है, आपको पता है, लिख लेते हैं, ये हो गया प्रोसेस। और इसके लिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पे प्रक्रिया अवधारणा, ये तीसरे के लिए है पीआर, मैंने इतना लिख लिया, संकेत में लिखते हैं ताकि हमें याद करने में दिक्कत ना हो। उद्देश्यों की अवधारणा मतलब ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब ओ से ले लेते हैं। तंत्र अवधारणा यदि नहीं पता है तो क्या करेंगे, इसको अगर लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं कोई बात नहीं, देखिए कैसे याद करना है, तो इस चीजों को ध्यान देना है, इससे ही याद करेंगे। ये तो मान लीजिए इसकी इंग्लिश है, इससे याद करनी है। देखिए कैसे, संबंधों की अवधारणा नहीं पता चला तो हम इसको यस लिख लेते हैं, संबंधों की अवधारणा, ठीक है। तंत्र अवधारणा टी डाल देते हैं, ये अपने ऊपर माइंड करना है, दूसरे से नहीं मतलब है, हमें अपने माइंड करना है। देखिए जीएसटी मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसी सभी से कंबाइन करके हमें वर्ड बनाना है जो याद करे, जैसे जीएसटी, फिर बचा है पी आर ओ, फिर एक ओ, मतलब जी से क्या हो गया समूह अवधारणा, यस से क्या हो गया संबंधों की अवधारणा, टी से क्या हो गया तंत्र अवधारणा, पी आर ओ प्रोसेस प्रक्रिया अवधारणा, ओ से ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्यों की अवधारणा। समझ में आ गया आपको, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए इससे बढ़िया और तरीका बताते हैं, एक आगे वाले वीडियो देखिए उसे। देखिए अगला, जैसे हम अब अगला एग्जांपल बताने वाले निर्णयन की अवधारणा के बारे में। जैसे इसका अगर अवधारणा में याद करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हेडिंग को देख लीजिए, वो हेडिंग क्या है, इस हेडिंग को आपको याद करना है तो क्या करेंगे। जैसे पहली हेडिंग है मानवीय प्रक्रिया, मानवीय मतलब ह्यूमन,
तो इसका इंग्लिश जो आपको पहले पता होना चाहिए, अगर आपको इंग्लिश पता है तो अच्छी बात है, तभी आप अच्छे से याद कर पाएंगे। दूसरी टेक्निक क्या है उसको मैं आगे बताऊंगा। ह्यूमन से एच ले लेते हैं। सेकंड है समस्या समाधान, मींस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आएगी समस्या के लिए तो ये हम पी ले लेते हैं। अगला है चयन अवधारणा, मतलब सेलेक्शन। सेलेक्शन अगर लेते हैं तो उसमें हमें मिलेगा एस। हर एक वर्ड में पहले वर्ड को हम यूज कर लेते हैं और ये अपने आप पे डिसाइड कीजिए कि हम क्या यूज किए थे। अगला है मानसिक, मानसिक मतलब मेंटल। मेंटल से लेते हैं तो वो हमें मिलेगा एम से। अगला है उद्देश्यात्मक, जैसे ऑब्जेक्टिव, इसमें ओ मिलेगा। नेक्स्ट क्या है निरंतरता। निरंतरता मतलब अगर देखा जाए तो निरंतरता कंटिन्यू है ना, सी से ले सकते हैं, अपने ऊपर माइंड कर सकते हैं। अगला है वचन बंधुता, कमिटमेंट आता है ना, सीओ, कमिटमेंट ले लेते हैं। तो इसको एक सी तो पहले से था तो यहाँ पे सीओ, दो वर्ड ले लीजिए, क्योंकि अगर सी लेंगे तो दोनों सी रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए हमें ये इतने वर्ड मिल गए, इस वर्ड से हमें बनाना है, ऐसा वर्ड बनाना है जो अच्छा से याद हो सके। चलिए बनाते हैं उसको। अब इस चीजों को अगर बनाना है तो आपको हेर फेर इधर उधर करके कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। देखिए ये कमिटमेंट है तो हम यहाँ पे सी ओ एम ले लेते हैं ताकि एक वेबसाइट के जरिए हम बनाते हैं। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहले हमें मिल रहा है एचपी, तो लिख लेंगे एचपी। एचपी के बाद ये है यम ओ सी, यम ओ सी को कॉम डाल देते हैं, सी ओ एम, एचपी कॉम, फिर कॉम है, फिर कॉम डाल देते हैं, डॉट लगा लेते हैं, एचपी कॉम कॉम हमारा एक वेबसाइट की तरह बन गया। अब इसको याद कैसे करेंगे, हम याद तो कर लिए एचपी कॉम कॉम, लेकिन कैसे पता चला, बस इतना याद करना है कि ये निर्णयन की अवधारणा है। निर्णयन की अवधारणा हमारा क्या है, एचपी कॉम कॉम। तुरंत माइंड में यही सेट करना है कि निर्णयन की अवधारणा पूछेगा तो लिखेंगे एचपी कॉम कॉम, लेकिन एचपी कॉम कॉम आपको संकेत में कैसे पता होना चाहिए, एच मतलब ह्यूमन, मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया। पी प्रॉब्लम मतलब समस्या। फिर सी, सी आपको पता है ये कंटिन्यू के लिए निरंतरता, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं हेडिंग में, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। फिर ओ ऑब्जेक्टिव, फिर एम मानसिक मेंटल के लिए, फिर कॉम मतलब कमिटमेंट, वचन बंधुता। बस इस चीजों को आप एक बार माइंड में अगर रखेंगे तो तुरंत क्लियरली याद हो जाएगा। नहीं तो ऐसे अगर याद करना चाहेंगे, मतलब मान लीजिए ये याद नहीं करना चाहते हैं, अगर अपने मन से याद करते हैं तो मैं एक चीज गारंटी देता हूँ, आप इस चीजों को याद कर लिए, फिर याद कर लिए, कुछ और याद करेंगे, अलग अलग चैप्टरों से याद करेंगे, याद करते गए करते गए करते गए, लेकिन एक बार ऐसा होगा कि यही वाला इसमें मिक्स हो जाएगा, ये वाला इसमें मिक्स हो जाएगा, दोनों मिला के सब मिक्स हो जाएगा, मिला के रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं चला, कहाँ बज गए, सब मिक्स हो गया। यही होगा, यही सबके साथ होता है। तो सीरियसली अगर ले लीजिए इस चीजों को और ये टेक्निक अपना लीजिए, इस टेक्निक से मैंने अपना कर कुछ किया है तभी आपको बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप लाइक कीजिएगा, अगर लाइक अगर कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर करें।